ये किस चीज के पैसे लिए आपने? दोस्तों, आजादी के इतने बरस बाद भी भारत विकसित देशों की लिस्ट से कोसों दूर है। मोदी सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कई कामचोर और कई भ्रष्टाचारी कर्मचारियों ने पूरे सिस्टम को खराब कर रखा है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कर्मचारियों के कुछ करतूते दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका मन ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने का करेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, बैड एम्प्लॉइज कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। शोर मत कीजिए, मास्टर साहब सो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकारी स्कूल में बच्चों के बैग को तकिया बनाकर खर्राटे भरता ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल का हेडमास्टर है। नींद की आगोश में सिमटे मास्टर साहब को कोई लेना देना नहीं कि बच्चे क्लास में हैं भी या नहीं। वो तो इतनी गहरी नींद में थे कि एक मिनट तक उनका वीडियो बनता रहा, लेकिन मास्टर की नींद नहीं टूटी। जहां एक तरफ शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नाकारा टीचर उन योजनाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं। मोटी तनख्वाह वाले मास्टर साहब का स्कूल में सोने का ये वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शिक्षक को फौरन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एमपी के कटनी जिले में ये पटवारी कोई पान नहीं बल्कि रिश्वत के नोटों को चबा रहा है, इसलिए ताकि रिश्वत के सबूत नेस्तनाबूद हो जाए। दरअसल ये महाशय सीमांकन के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिए गए थे, जिसके बाद कार्यवाही के डर से इन्होंने 500-500 के नौ नोटों को चबाना शुरू कर दिया। जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे बार बार थूकने को कहते रहे, लेकिन सस्पेंड होने का डर तबियत खराब होने से ज्यादा होता है बाबू मोशाय। ऐसे में भाई साहब बिना तबियत की फिक्र किए रिश्वत की राशि को निगल गए। उफ, ऐसे नालायक अधिकारियों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। किस चीज के पैसे लिए आपने? वीडियो में मिमिया रही, रो रही ये लेडी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी है, जो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। इस वीडियो से पहले मुन्नी की ईमानदारी के किस्से खूब चला करते थे, उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया जा चुका था, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही मुन्नी बदनाम हो गई। दरअसल मुन्नी ने एक महिला के केस में रिकवरी के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत हिसार विजिलेंस टीम से कर दी। फिर क्या था, विजिलेंस की टीम ने जब मुन्नी को पकड़ा तो उसकी जेब से उसी नंबर के नोट निकले जो बताए गए थे। ये वीडियो यूपी के हरदोई के एक स्कूल का है, जहां घर से थकी हारी मैडम जी स्कूल में आकर थकान मिटाने के लिए बच्चों से हाथ और कंधे दबवाती दिख रही हैं। बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे मसाज कराने का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ मैडम जी की हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। अब उन्हें थकान उतारने के लिए स्कूल तक नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही रहकर मजे से अपनी थकान उतारिए। पैसे ऐसे हैं कि पैसे भी निकाल लिया किसी ने, आईडी है जेब में कि आईडी भी लेकर चला गया वो। हाँ, वो देखो, उसको देखना तो पड़ेगा। ये हैं कानपुर के पनकी इलाके में शराब के नशे में धुत सिपाही अमर सिंह चौहान, जो कूड़े के ढेर को बिस्तर समझकर लेटा हुआ है। रास्ते से गुजर रहे किसी राहगीर ने इसे वहां से उठाकर किनारे पर बिठा दिया। इन भाई साहब को इतना भर होश नहीं है कि कोई इनका मोबाइल और बाइक तक चुरा ले गया। अब आप ही बताइए, जिनको अपने सामान खो जाने की कोई खबर नहीं वो क्या दूसरों के सेवा में तत्पर रहेंगे। जिस खाकी की वर्दी को सब सम्मान देते हैं, लखनऊ के इस सिपाही ने उसे शर्मसार करने का काम किया है। देखिए तो ये साहब नशे में धुत होकर पुलिस महकमे की कितनी बेइज्जती कर रहा है। गजब सिस्टम है, इसे यहाँ दूसरों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, लेकिन यहाँ तो इसी को सुरक्षा की जरूरत लग रही है। मतलब जनता जिसके भरोसे बैठी है वो खुद ही राम भरोसे बैठे हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स जरूर मिले। अगर आप इस वीडियो पर भी पिछले वीडियो जितना प्यार बरसाते हैं तो जल्द ही आपके लिए लाएंगे बेस्ट एम्प्लॉय सीरीज का पार्ट 3। इस पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। नहीं चाहिए, हमारी बात नहीं, गाड़ी की हुई है।
यहां एमपी के वन मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में नई एम्बुलेंस का शुभारंभ करने पहुंचे तो गजबे ही हो गया। दरअसल मंत्री जी द्वारा नई एम्बुलेंस की घोषणा के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने वहां पुरानी एम्बुलेंस भेज दी। अब खटारा हो चुकी पुरानी एम्बुलेंस ने एन मौके पर जवाब दे दिया और लाख कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से इंच भर भी आगे न खिसकी। फिर क्या था, मंत्री जी नाराज हो पड़े। मंत्री जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सिस्टम की लाइलाज बीमारी पर क्या ही करते। बेचारे को जनता के साथ मिलकर पुरानी एम्बुलेंस को ही धक्का मार कर ही उद्घाटन का दस्तूर करना पड़ा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले की पंचायत समिति में नोट उड़ा रहा ये शख्स एक सरपंच है, जो इसलिए नाराज है क्योंकि पंचायत समिति के अधिकारियों ने कुआं बनवाने की फाइल को मंजूरी के लिए 12% कमीशन मांगा था। इसी बात से नाराज होकर सरपंच ने 2,00,000 रुपए पंचायत समिति के परिसर में हवा में उड़ा दिए। देखिए कैसे इस सरपंच ने इन अधिकारियों की जनता के सामने पोल खोल कर रख दी। ऐसा सिस्टम हो तो क्या ही कोई गांव शहर डेवलप हो जाए। ना बिल्कुल ना, इस बाल्टी से चम्मच भरकर चावल में परोसी जा रही है। यूपी के कन्नौज की एक सरकारी स्कूल में इसे दाल का नाम दिया गया है। दोस्तों आप खुद ही देखिए, क्या इसमें आपको कहीं भी दाल का एक दाना भी नजर आ रहा है? नहीं ना। इसी तरह इस वीडियो में सरकारी स्कूल के ये बच्चे रोटी के साथ नमक लगाकर खा रहे हैं। ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। देखिए ये बच्चे कितनी मासूमियत से रोटी के साथ नमक लगाकर खा रहे हैं। ये मासूम क्या ही जाने कि उनके हिस्से की दाल कोई सरकारी टीचर या अधिकारी मलाई बनाकर खा चुके हैं। स्कूल से चुराए बुरिया ले जा रहे हो क्या? हैं? बुरिया लेके कहाँ जा रहे हो बताओ मास्टर? रायबरेली के एक सरकारी स्कूल के इस प्रिंसिपल की चोरी तो सरे आम में पकड़ में आ गई, जो स्कूटी पर एमडीएम के अनाज की बोरी रखकर ले जा रहे हैं। ये महाशय जैसे ही बाहर निकले तो गांव वालों ने रोककर उनका विरोध किया, जिसके बाद ये भैया जी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। गांव वालों ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हद है नीचता की। एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जहां यूपी सरकारें कड़े प्रयास कर रही है, वहीं कुछ टीचरों ने शिक्षा व्यवस्था को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूपी के जिला अमरोहा में ये महिला टीचर्स पढ़ाने की बजाय ऑन ड्यूटी स्कूल में रील बना रही हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चों से उनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहती हैं। ऐसे शिक्षक हों तो हो गया शिक्षा का बेड़ा गर्क। ये वीडियो यूपी के संभल जिले का है, जहां एक तरफ डीएम पीड़ितों की फरियाद सुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये महिला चिकित्सा अधिकारी नींद के खराटे भर रही है। इस बीच अपनी शिकायत लेकर पहुंचे किसी शख्स ने खराटे ले रहे अफसरों का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी के बगल में बैठकर सरकारी अफसर नींद ले रहे हों, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अब जरा पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में नागिन डांस कर रहे इन पुलिस वालों को देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस पर बीन की धुन पर नागिन डांस कर रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता इस दिन राष्ट्र धुन सुनी जाती है, नागिन डांस पर नाचा नहीं जाता? लेकिन इन सबसे बेपरवाह ये सिपाही, दारोगा और इंस्पेक्टर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। यूपी के औरैया में डीपीओ ऑफिस का एक वायरल वीडियो तो नाकारापन की पराकाष्ठा है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑफिस ही काम के समय सोता दिख रहा है। ऐसे सरकारी अधिकारियों की वजह से आज देश पिछड़ा हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के जरिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे नाकारा सिस्टम को उखाड़ फेंकिए। खैर आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।